Hey guys, welcome back to my channel. फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि बड़े ही अटपटे तरीके से बैठ के आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना रही थी. मैं मेरे पैर से ना आज चला नहीं जा रहा ठीक से, और रियलिटी ये है कि मैं नंगे पैर नहीं चल सकती. मेरे पैर में, जिसको हम हिंदी में, देसी शुद्ध हिंदी में गांठ बोलते हैं, मेरे पैर में गांठ है, तो जिसकी वजह से ना मैं बिना फुटवेयर के ना चल नहीं पाती. तो आज पता नहीं, बहुत दिनों से मैं टालते टालते आज मैंने बहुत ज़्यादा ही लंबी वॉक कर ली, और जो मेरे फुटवेयर थे वो फुट फ्रेंडली नहीं थे, तो मे बी शायद इसलिए मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. और अब ये आलम आ गया है कि नंगे पांव तो छोड़ो, मैं स्लीपर पहन के भी नहीं चल पा रही हूँ. तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इसको मतलब अपना सेल्फ मिनी ऑपरेशन करूँगी. तो सोचा जब मैं ये ऑपरेशन करूँ तो आपको दिखा के करूँ. मजाक कर रही थी, कोई ऑपरेशन नहीं कर रही. तो हाँ, रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली मेरे पैर में ना, ये आप देखेंगे ना, तो ये गांठ है. एक ये है गांठ और एक ये, तो इसको बोलते हैं कैलेसिस बोलते हैं इसको. मतलब वो गांठ जिसके बीच में कोई होल नहीं होता और जिसको प्रेस करने से आपको पेन नहीं होता, और ये थोड़ा सा फैला हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं कैलेसिस. और ये जो है ना, जिसके बीच में एक होल होता है और जिसको टच करने से हल्का पेन होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, तो जिसके अंदर ये ऐसा होल होता है, अगर पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, तो इसको बोलते हैं कॉर्न. और ये जो फैला हुआ होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसको बोलते हैं कैलेसिस. तो मेरे पाँव में है ये, और लेफ्ट पैर में ज़्यादा है, राइट पैर में कम है. तो जब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की कि ये ऐसा क्यों है मेरे साथ, तो पहला रीज़न तो है जेनेटिक, बिकॉज मेरे फादर को है. और जो दूसरा रीज़न ये है कि प्रॉब्लम क्या है ना, कि मेरे पैर ना बहुत छोटे हैं, मतलब मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरे पैर छोटे हैं. तो जब भी मैं स्लिपर लेने जाती हूँ, कोई भी फुटवेयर लेने जाती हूँ, तो वो मेरे साइज़ का मिलता ही नहीं है. अब होता क्या है कि क्योंकि मैं अपने साइज़ से बड़े साइज़ का फुटवेयर खरीदती हूँ, तो मुझे उसमें सोल लगवाना पड़ता है. अब वो सोल इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है ना, तो मतलब मैं इसको अगर शॉर्ट करके बोलूँ तो ये होता इसलिए है कि या तो ये जेनेटिक होगा. अगर ये जेनेटिक नहीं है, तो अगर आपने अपने प्रॉपर आपके प्रॉपर साइज़ का अगर आपने शूज़ नहीं पहना या फुटवेयर नहीं पहना, और आप बहुत ज़्यादा तंग है आपके पाँव चलते वक्त, तो ये गांठ उभर के आ जाती है आपके पाँव में. या फिर अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा बेंट होता है मेरा पैर जब मैं चल रही होती हूँ उस वक्त, तो थोड़ा सा प्रेशर इस साइड पड़ता है, एक ही साइड पर पड़ता है, पूरे पंजों पर ना पड़ के सिर्फ एक ही जगह पर, जब आपके पैरों आपके पूरी बॉडी का जो प्रेशर पड़ता है, तो उस जगह पर गांठ क्रिएट हो जाती है. तो ये मतलब मैंने इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया नहीं, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं. और मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा घरेलू उपाय करूँगी. आप लोगों को बस ये सजेशन दूँगी, अगर किसी के है अगर किसी के पाँव में, तो प्लीज़ कोई शेविंग ब्लेड का यूज़ मत करना, नाइफ़ का यूज़ मत करना. क्योंकि मैं सच बोलूँ, मैंने अपने फादर को देखा था, वो क्या करते थे कि जो ब्लेड होता है ना, शेविंग ब्लेड, उसको लेते थे और ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करके लेयर करके निकालते थे. तो उस वक्त तो नहीं था मेरे पाँव में, तो मैंने कभी इतना ज़्यादा सीरियसली देखा नहीं उनको कि वो कि ये सब क्यों कर रहे हैं. लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि उनके साथ तो कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, कोई कहीं पे कुछ कट नहीं लगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना आप. हाँ, तो मैंने एक घरेलू एक नुस्खा है, और ऐसा एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ, ये मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन लास्ट काफ़ी महीनों से मैंने नहीं किया. तो या फिर मैं अगर सच बोलूँ ना, तो जब से मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है, तब से मैंने ये नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने किया होता तो आई एम वेरी मच श्योर कि मैं आपको दिखाती ज़रूर. तो अप्रॉक्स 1.5 साल से तो मैंने ये नहीं किया, और शायद इतने टाइम से ना मैं इररेगुलर हूँ, तो हो सकता है कि मैं अवॉइड कर रही हूँ, तो शायद इसलिए आज पेन ज़्यादा हो गया. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना हाफ बकेट में गर्म पानी लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाला है, और पानी इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप डिप करो तो मतलब पैर को आप आराम से डिप करके रख सको, मतलब ऐसा ना हो कि आपको ठंडा फील हो रहा हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पैर जल रहे हैं. तो एक अच्छा सा एक टेम्परेचर जो आपके पैरों को सूट करे वैसा रखो, और 5 से 7 मिनट आप इसको 10 मिनट भी रख सकते हो, मतलब ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है, जब आपको लगे कि हाँ मतलब अब रिलैक्स फील हो गया. क्योंकि गुनगुने पानी में नमक डाल के अगर आप पैर नॉर्मल भी डिप करके रखोगे ना, विदाउट कोई ऐसी प्रॉब्लम की, तो बहुत रिलैक्स फील होता है, नींद अच्छी आती है, तो आप ऐसा कर सकते हो. तो हाँ, ये किया, उसके बाद डिप करके रखा, और डिप करके रखने के बाद या तो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है अगर ये कॉर्न, तो फिर तो आप इस साइड से कर सकते हैं. ये फुट स्क्रबर है, ये थोड़ा सा हार्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा खुरदरा साइड है और ये नॉर्मल साइड है, तो मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये
थोड़े से ज़्यादा इसके अंदर दांत है जिसमें, तो इसको क्या करना है ना, खुद दूर ये यहाँ पे लेकर आए और फिर इसको इस तरीके से देखोगे ना आप, अगर पता नहीं वीडियो में ये ठीक से विजुअल हुए नहीं, काफ़ी निकल रहा है। तो ये गंदगी नहीं है, ये कॉर्न है जो कि मतलब फूल गया है गर्म पानी में रखने की वजह से। तो ये अगर आप, मैं तो सच बोलूँ तो मैं थोड़ा सा कभी कभी लापरवाही करती हूँ, मैं डेली, पहले मैं इसको डेली करती थी तो एक आलम ऐसा आया था कि ये बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन फिर से वही लापरवाही। तो अगर आप इसको 10 से 15 दिन करोगे ना डेली, तो ये आई थिंक मतलब 5 से 10% ही रह जाएगा और ये पेन नहीं करेगा। तो बस आज की वीडियो में यही ज्ञान देना था, क्योंकि वीडियो में वही अपलोड करती हूँ ना जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ। तो फिर हाँ, आप क्या करेंगे ना, इसको करने के बाद फिर कोई भी एक फुट क्रीम लगाएंगे, और अगर वैसे भी अभी तो विंटर है तो आप सॉक्स पहन के सो सकते हैं, लेकिन अगर आपको आदत नहीं है सॉक्स पहनने की, अगर मैं बोलूँ तो मैं सॉक्स नहीं पहनती, तो एक अच्छी से क्रीम लगा के और फुट क्रीम लगा के या नॉर्मल लोशन लगा के, और तब आप सो जाओ, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखोगे ना तो पैर भी बड़े सुंदर दिखेंगे और रिलीफ भी मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।